प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स. हमने पाउडर्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी एंड इन दैट वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज एंड बल्क पाउडर्स यूज फॉर एक्सटर्नल यूज. ठीक है, और हम सिंपल और कंपाउंड पाउडर्स के बारे में भी डिटेल स्टडी पढ़ चुके हैं. नाउ इन द क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर एक कैटेगरी थी हमारे पास पाउडर्स एनक्लोज्ड इन कैचेट्स. जो पाउडर्स किस में होते हैं? कैचेट्स में होते हैं. अब हम बात करें कैचेट्स की, तो व्हाट आर कैचेट्स, क्या होते हैं कैचेट्स? कुछ पाउडर्स इस तरह से होते हैं जो कि ज़्यादा अमाउंट में देते होते हैं, तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होने के कारण हम उसको डायरेक्टली इंसर्ट नहीं कर सकते, डायरेक्टली एडमिनिस्टर नहीं कर सकते. तो उसके लिए क्या किया गया है? कैचेट्स बनाए गए. कुछ ऐसे ड्रग्स भी होती हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कैसे होते हैं, बिटर टेस्ट में होते हैं या फिर अनप्लीजेंट टेस्ट होता है, कुछ नॉक्सियस टेस्ट होता है जो कि पेशेंट को एडमिनिस्टर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होने के कारण या कुछ इस तरह के रीजंस हैं जिसके कारण पेशेंट उसको डायरेक्टली एडमिनिस्टर नहीं कर सकते. ठीक है, तो उसके लिए क्या किया गया? कैचेट्स बनाए गए. अब कैचेट्स क्या होते हैं? कैचेट्स आर दी सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म. सॉलिड होते हैं, यूनिट डोसेज फॉर्म है. ये किसके बने होते हैं? इसमें राइस पेपर के बने होते हैं. राइस पेपर की बात करें, सबसे पहले कैचेट्स हैं क्या? दीज आर सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म. राइस पेपर होता है उसका बना होता है. अब ये राइस पेपर कैसे बनता है? इसमें जो राइस फ्लोर होता है और वाटर होता है उसको मिक्स किया जाता है, मिक्सचर बनाया जाता है. उसका मिक्सचर बनाने के बाद दो पॉलिश्ड स्टेनलेस स्टील के एक तरह से सिलेंडर होते हैं. ठीक है, उस पर क्या किया जाता है? इसको उनके बीच में ये जो मिक्सचर है इसका, वाटर का और राइस का, ज़्यादा इसकी जो विस्कोसिटी है, ज़्यादा उसको लेस विस्कस नहीं रखना, थोड़ा सा गाढ़ा रखना है. और उसको क्या होता है, एक तरह से उन सिलेंडर्स के ऊपर उसको इंस्पोर किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, या फिर क्या किया जाता है, पोर किया जाता है सिलेंडर्स पे. उसके बाद जब वो सिलेंडर्स पे पोर करते हैं, दैट सिलेंडर्स आर रिवॉल्विंग. वो कैसे होते हैं? रिवॉल्व करते हैं. तो सिलेंडर्स होते हैं वो आपस में रिवॉल्व करते हैं, और रिवॉल्व होने के बाद वो जो वाटर होता है जो हमने राइस में मिक्स किया था, राइस फ्लोर में मिक्स किया था, वो इवेपोरेट हो जाता है और उसका एक तरह से वेफर होता है ना, वेफर फॉर्म में बन जाता है. ठीक है, और उस वेफर्स के अंदर एक शीट बन जाती है वेफर की. जो राइस पेपर होता है इसमें क्या होता है? राइस और वाटर. इसको कहाँ पे पोर किया? पोरिंग ऑन टू पॉलिश्ड सिलेंडर्स. और ये सिलेंडर्स कैसे होते हैं? रिवॉल्विंग होते हैं. ठीक है, जिससे क्या होता है, जो जब ये रिवॉल्व करते हैं तो वाटर तो क्या होता है? इवेपोरेट हो जाता है, इवेपोरेट्स. ठीक है, और उसका एक वेफर बन जाता है. ठीक है, वेफर ऑफ राइस. राइस का क्या बन जाता है? एक वेफर बन जाता है. ठीक है, उस वेफर में जो पाउडर है जिसका टेस्ट अनप्लीजेंट था, या फिर जो कि हम ज़्यादा क्वांटिटी में देना चाहते हैं, पेशेंट को एडमिनिस्टर करना चाहते हैं, तो वो उस वेफर में हम डालकर उसको दे सकते हैं. तो कैचेट्स को हम क्या कह सकते हैं? कैचेट्स इज ऑल्सो नोन एज वेफर कैप्सूल. इसको वेफर कैप्सूल भी कहा जाता है, एक तरह का कैप्सूल बन जाता है. पर ये इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इसको स्वेलो करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हार्ड हो जाता है. वेफर होता है वो आपने देखा होगा, वैसे भी वेफर बहुत हार्ड हो जाता है. तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है? ये बोला जाता है कि वेफर को थोड़ी देर पानी में, कुछ सेकंड्स के लिए पानी में डिप करके उसके बाद स्वेलो किया जाता है.
ताकि वो स्वेलो करना इजी हो जाए, क्योंकि ज्यादा हार्डनेस होने के कारण पेशेंट उसको इजीली स्वेलो नहीं कर पाता, ठीक है। तो इसलिए कि हमेशा जो कैचेट्स होते हैं उसका जो लेबल होता है उस लेबल पे लिखा होता है कि इमर्स द कैचेट्स बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन, इसको वाटर में इमर्स करना है फॉर फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स के लिए इसको इमर्स कर देते हैं वाटर में तो वो सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो जिसके कारण अगर हार्ड को तो हम स्वेलो नहीं कर पाते, सॉफ्ट को हम इजिली स्वेलो कर सकते हैं। तो ये हो गया कैचेट्स। अब बात करें कैचेट्स की, तो कैचेट्स की स्टोरेज की कि इसको कैसे, उसमें हमने ये तो देख लिया कि कैसे बनते हैं, ठीक है, राइस फ्लोर है, ठीक है, राइस फ्लोर और वाटर लिया, ठीक है। तो इसमें राइस फ्लोर एंड वाटर, उसके बाद हमने इसको वो सिलेंडर्स के ऊपर प्लेस कर दिया और वो रिवॉल्व कर रहे हैं, जिससे वो सिलेंडर थोड़े हॉट होते हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, वाटर इवेपोरेट हो रहा है, वेफर्स बन रहे हैं, ठीक है। उसमें हमने पाउडर की फिलिंग कर दी, जो पाउडर हमने एज ए ड्रग सब्सट्रेट जो भी हमने उसको एडमिनिस्टर करना है, जिसकी जो जिसका टेस्ट है उसको अनप्लीजेंट टेस्ट है, बिटर है, ठीक है, उसके लिए हमने उसको फिल कर दिया। अब इसको जो कैचेट्स हैं इसको कैसे स्टोर किया जाता है, इसके लिए किस तरह का कंटेनर चाहिए, तो इसको डिस्पेंस किया जाता है एक बॉक्स के अंदर, कैचेट्स को डिस्पेंस किया जाता है इन अ बॉक्स, ठीक है। अगर मान लो हम जो बॉक्स है उसमें थोड़ी बहुत एम्प्टी स्पेस रह जाती है बची, तो उसको उसमें कॉटन वूल रखी जाती है ताकि वो जब भी डिस्पेंसिंग के बाद जहाँ पे भी उसको लेके जाया जाए, क्योंकि वेफर्स हार्ड होते हैं तो मे बी वो थोड़े से फ्रिजाइल भी होते हैं, फ्रिजाइल मीन्स वो ब्रेक भी हो सकते हैं, अगर वो ब्रेक हो जाएंगे तो सारा पाउडर स्पिलेज हो जाएगी, सारा पाउडर फैल जाएगा उसमें, ठीक है। तो इसलिए वो ब्रेक ना हो, अगर मान लो कैचेट्स को हम किसी बॉक्स में डालते हैं तो वो बॉक्स में कुछ भी स्पेस नहीं रहना चाहिए, उस स्पेस को कवर करने के लिए कॉटन वूल उसमें बॉक्स में इंसर्ट की जाती है ताकि कैचेट्स आपस में टकराए ना और वो ब्रेक ना हो, ब्रेकेज होने से वो स्पिलेज हो जाती है पाउडर की, ठीक है। और इसमें क्या होता है, बॉक्स के ऊपर हमेशा ये लेबल किया जाता है, दैट एक डायरेक्शन लिखी जाती है कि यूज करने के लिए इमर्स इन वाटर फॉर फ्यू सेकेंड, जो आपको बताया कि इसको इमर्स वाटर में इमर्स करना है कुछ सेकेंड के लिए, ताकि वो जो हमारे कैचेट्स हैं जो कि स्वेलो करना ईजी हो रहे हैं वो ईजिली स्वेलो कर सके। वैसे तो ये फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म में इसका कोई इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन कुछ जो हॉस्पिटल्स में कुछ ड्रग्स होती हैं जो अंडर इन्वेस्टिगेशन होती हैं उसके लिए ही यूजफुल होता है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में ड्रग की, वैसे इसका ज़्यादा यूजफुल यूज़ नहीं है। उसके बाद बात करें अगर इसकी टाइप्स ऑफ कैचेट्स की कि किस तरह के इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, पहले हम इसके एडवांटेजेस करेंगे, एडवांटेजेस ऑफ कैचेट्स क्यों बनाए जाते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले एडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ कैचेट्स, ठीक है, इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहला नंबर वन कि जो कैचेट्स होते हैं इसको हम इजिली बना सकते हैं, ठीक है, कोई ऐसा कोई टेक्निक या बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड मशीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसको अगर प्रिपेयर करना है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, प्रोडक्शन करनी है, तो इजिली हम इसको बना सकते हैं, तो दे कैन बी मेड इजिली। और या फिर कोई स्पेशल टाइप की कोई मशीन, कॉम्प्लिकेटेड मशीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इसका ये फर्स्ट बेनिफिट है। उसके बाद क्या होता है, दूसरा ये है कि डिसइंटीग्रेट बहुत जल्दी हो जाता है। देखो पाउडर है, आपको वैसे भी बताया था जब कंपैरिजन किया था सॉलिड डोजेस फॉर्म का पाउडर के साथ, क्योंकि जो सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है उसको एडमिनिस्टर करने के बाद जब हम उसको एडमिनिस्टर कर लिया वो हमारे जीआई ट्रैक में पहुंचेगी, ठीक है, वहां पे पहुंच के उसने क्या किया, पहले डिसइंटीग्रेट होगी, डिसइंटीग्रेट मतलब कि ब्रेकडाउन होगा उसका स्मॉलर पार्टिकल्स में, वो ब्रेकडाउन होएगी, ठीक है। ब्रेकडाउन होने के बाद वो डिसोल्यूशन होती है उसकी, डिसोल्यूशन होने के बाद
फिर वो उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, फिर वो अपना जो भी रिस्पॉन्स है वो शो करती है। लेकिन पाउडर के केस में जैसे कि हमने पढ़ा कि कैचेट्स हैं, ये केवल वेफर होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वेफर को डिजॉल्व होने में टाइम लगेगा, क्योंकि हमने ये लेबलिंग पे लिखा ही हुआ है, क्योंकि वेफर को एज इट इज स्वेलो करना डिफिकल्ट होता है, वो हार्ड होता है। लेकिन अगर हमने इसको कुछ डिप करके रखा फॉर फ्यू सेकेंड्स के लिए वाटर में, तो हम इसको स्वेलो कर लेंगे, तो ये इसको डिसइंटीग्रेट होने में टाइम लगेगा, ये खुल जाएगा वेफर जीआई ट्रैक में और बहुत ईजिली। और उसके बाद जो पाउडर है, पाउडर तो ऑलरेडी वो डिसइंटीग्रेट है, उसके पार्टिकल्स उसके छोटे हैं, तो ये बॉडी में ईजिली डिजॉल्व हो जाता है, यानी डिसइंटीग्रेट बहुत जल्दी हो जाता है। तो हम कह सकते हैं दे डिसइंटीग्रेट क्विकली, बहुत जल्दी डिसइंटीग्रेट हो जाता है इन स्टमक। ठीक है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है बहुत जल्दी। उसके बाद नेक्स्ट बात करें इसकी और एडवांटेज की, कि इसको डिस्पेंस करना, कैचेट्स को डिस्पेंस करना भी बहुत इजी है, इसकी डिस्पेंसिंग बहुत इजी है। उसके बाद ये बता रखा है जो बहुत ही ज्यादा लार्ज डोज होती है, बहुत ज्यादा इसको स्वेलो करना मुश्किल हो जाता है, ड्रग्स होती हैं जो कि जिसका टेस्ट इस तरह का होता है कि इजीली स्वेलो नहीं कर पाते, तो कैचेट्स के थ्रू उसको देना इजी हो जाता है, चाहे वो किसी तरह का पेशेंट हो। तो लार्ज डोजेज ऑफ ड्रग कैन बी स्वेलोड बाय द यूजिंग ऑफ कैचेट्स, ज़्यादा डोज होगी, ज़्यादा डोज देनी है तभी कैचेट्स की हेल्प से हम उसको दे सकते हैं, क्योंकि एक बार मतलब कि जो कैचेट्स है, बस बात हुई है कि एक बार वो सॉफ्ट हो गया तो वो क्या होता है, लार्ज जो लार्ज साइज कैचेट्स होते हैं ना, क्योंकि अगर डोज बड़ी है तो ऐसा है कैचेट्स भी बड़ा बनेगा, बड़ा कैचेट्स हो गए तो बड़ा वेफर होगा, उसमें ज़्यादा पाउडर हम इंसर्ट कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। इसलिए तो जो कैचेट्स है, अब आप सोचो इतनी बड़ी डोज है, उसको कैचेट्स को, अगर मान लो कैचेट्स को हमने बार बार यही बात बोल रहे हैं कि कैचेट्स को पानी में अगर कुछ टाइम के लिए डिप करके रखा तो उसको वो सॉफ्ट हो जाता है और उसको स्वेलो करना में बहुत आसानी, इजीली स्वेलो हो जाता है। तो इट इज़ कैचेट्स आर वेरी सुटेबल फॉर द लार्ज डोज है ड्रग की, वो स्वेलो करनी ईजी हो जाती है। ठीक है, तो ये सुटेबल है टेबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लार्ज डोजेस। जब डोज बहुत ज्यादा हो ना तो हम कैचेट्स की हेल्प से इस डोज को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ये हो गए इसके कुछ एडवांटेजेस। अगर हम बात करें इसके डिसएडवांटेजेस की, दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ कैचेट्स, की कैचेट्स की फॉर्म में हम क्यों पाउडर को मैन्युफैक्चर करते हैं, क्यों डिस्पेंस करते हैं इन फॉर्म ऑफ कैचेट्स। अब हम बात करें इसके डिसएडवांटेजेस की, किसी चीज के एडवांटेजेस होते हैं तो उसके कुछ ना कुछ नेगेटिव्स भी होते हैं। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ कैचेट्स, disadvantages of catchers, इसकी क्या disadvantages हो सकते हैं। सबसे पहला, जो catchers होते हैं mostly they must be softened before the swelling, soft होने जरूरी है। अगर आप सोचोगे कि हमें soft नहीं करना तो soft होने बहुत जरूरी है, they must be softened before swelling, नहीं तो वो बॉडी में जाकर अगर कोई सोच रहा है कि हाँ ये हार्ड है, छोटा कैचेट है, तो हम इसको ऐसे ही स्वेलो कर लेते हैं, तो वो बॉडी में जाके डिसइंटीग्रेट होने में टाइम लेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, और इसलिए उसका फिर कोई बेनिफिट ही नहीं, आप इससे अच्छा टेबलेट ही ले लेते। तो इसमें क्या था, तो दे मस्ट बी सॉफ्टन बिफोर द स्वेलिंग, सॉफ्टन होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। Before swallow करना
करने से पहले ये कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। उसके बाद इसमें ये है कि ये डैमेज बहुत इजीली हो जाता है। इसको क्या होता है, ये वेफर होता है, ठीक है, ये इजीली डैमेज हो जाता है क्योंकि इसकी जो शेल होती है ना वो फ्रेजाइल होती है। होती तो हार्ड है लेकिन पतली सी, वेफर कैसा होता है, पतला सा होता है, अगर हम हाथ से उसको थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे तो वो टूट जाता है। तो ये क्या होता है, ये जो शेल होती है कैचेट्स की वो फ्रेजाइल होती है, जिसके कारण क्या होता है, ड्रग जो ड्रग कंटेंट होता है कई बार क्या होता है उसमें कंप्रेस्ड होकर नहीं रहता। तो इसमें क्या होता है, ये इजिली डैमेज होती है। जो शेल होती है वो क्या होती है, शेल ऑफ कैचेट्स फ्रेजाइल होती है, डैमेज हो जाती है बड़ी जल्दी, ठीक है, इस तरह की होती है शेल। उसके बाद दे कांट प्रोटेक्ट द एनक्लोज ड्रग फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर। जो ड्रग उसके अंदर जो पाउडर सब्सटेंस है उस वेफर के अंदर एनक्लोज है उसको वो लाइट और मॉइस्चर से प्रोटेक्ट नहीं करती। ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि लाइट और मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, तो ये क्या होता है, प्रोटेक्ट नहीं करता, नॉट प्रोटेक्ट द एनक्लोज्ड ड्रग। अगर मान लो कोई ड्रग है लाइट रेजिस्टेंट है या मॉइस्चर रेजिस्टेंट है और उसमें है, तो ऐसा नहीं कि वो उससे प्रोटेक्ट रहेगी, कि हमने उसके ऊपर कैचर वेफर की लेयर बना दी तो वो उससे उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो नो प्रोटेक्शन फॉर द ड्रग enclosed in gadgets from light and moisture, light और moisture से वो protect नहीं करती किसी भी drug को। उसके बाद they are not suitable for filling the drug by large scale machinery, ठीक है। अगर हमने लार्ज स्केल प्रोडक्शन करनी है ना तो इसकी कोई पर्टिकुलर मशीन तो होती नहीं है। आपको पहले एडवांटेजेस में बताया था कि इसको मैन्युफैक्चर करना बहुत इजीली है क्योंकि इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड मशीन नहीं है इसकी फिलिंग्स के लिए या फिर किसी चीज के लिए। इसमें बस वेफर बनते हैं उसके बाद उसमें फिलिंग होती है। अगर लार्ज स्केल प्रोडक्शन करनी है तो इसको लार्ज स्केल फिलिंग के लिए ये सूटेबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये भी इसका डिसएडवांटेज है, not suitable for large scale की अगर production करनी है, manufacturing करनी है तो ये suitable नहीं है। उसके बाद ये जो वैसे drugs होती है ना उसके comparatively ये बहुत ज़्यादा जो tablets होते हैं और capsules होते हैं उसकी comparatively ये क्या होते हैं, ज़्यादा space लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक वेफर हो गया, वो किसी के साथ टकराए भी ना क्योंकि वो फ्रेजाइल होता है, वो ब्रेक हो सकता है इजिली। तो ये क्या होती है, इट ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन, जितना उसका साइज होता है ना, जितना पाउडर है उसमें उससे ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है एज कंपेरेटिव टू टेबलेट्स एंड कैप्सूल। जो टेबलेट्स और कैप्सूल होते हैं उनके तो स्ट्रिप्स होती है, उन स्ट्रिप्स में थोड़ी थोड़ी जगह होती है। अब इसको डिस्पेंस किया जाता है बॉक्स के अंदर, बॉक्स के अंदर जो स्पेस रह गई उस स्पेस में ऐसा नहीं कि हम एक्स्ट्रा कैचेट्स डाल सकते हैं, उसकी एडिशन कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि वो फ्रेजाइल है नेचर में, इसलिए उसमें हम क्या डालते हैं, कॉटन वूल इंसर्ट कर देते हैं ताकि वो आपस में टकराए ना, जिसके कारण वो ब्रेकेज भी हो सकती है। तो ये क्या होता है, जितना इसका साइज है ना कंपाउंडिंग का उससे भी ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो हम कह सकते हैं दे ऑक्यूपाई मोर स्पेस, ठीक है, एज कंपैरेटिव टू टैबलेट्स एंड कैप्सूल, एज कंपैरेटिव टू टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स, उसके कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा स्पेस लेती है और खुद की जो कंपाउंडिंग का साइज है ना उसके कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा स्पेस लेती है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ कैचेट्स। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हमने किए एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कैचेट्स, नाउ टाइप्स ऑफ कैचेट्स।
कैचेट्स कितने टाइप के होते हैं? सो कैचेट्स आर कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरीज. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैचेट्स. दो टाइप्स के कैचेट्स होते हैं. कैचेट्स दो तरह के होते हैं, ड्राई सील कैचेट्स एंड वेट सील कैचेट्स. कैचेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज ड्राई सील एंड सेकेंड वन इज वेट सील कैचेट्स. ठीक है, अब ये ड्राई सील और वेट सील कैचेट्स क्या होते हैं? अगर हम बात करें ड्राई सील कैचेट्स की, ड्राई सील कैचेट्स क्या होते हैं, ये दो हाफ्स में डिवाइड होते हैं. जो इसमें कैचेट्स होती है, जो इसमें जो हार्ड जो एरिया होता है, हार्ड जो इसका जैसे उसमें वेफर था, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. एक अपर हाफ होता है और एक लोअर हाफ होता है. इस तरह से होता है, ये एक लोअर हाफ होता है, इसके ऊपर अपर हाफ. जो लोअर जो अपर हाफ होता है उसका डायमीटर लोअर हाफ कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, ताकि ये इसको एनक्लोज कर सके. ठीक है, इस टाइप का होता है जो भी पाउडर है. ठीक है, जिसको हमने पाउडर है जिसको हमने एज एडमिनिस्टर करना है, तो उस पाउडर को हम लोअर हाफ में फिल किया जाता है. ठीक है, इस तरह से लोअर हाफ में, ये समझ लो इसमें पाउडर फिल कर दिया. लोअर हाफ में क्या है? पाउडर है. जो अपर हाफ है वो इसके ऊपर फिट कर दिया जाता है. ठीक है, तो ये होता है ड्राई सील कैप्सूल, और इसके ऊपर प्रेशर लगाया जाता है, तो ये इस तरह से ड्राई सील कैचेट्स बन जाते हैं. इस टाइप का ड्राई सील कैचेट्स होते हैं. ठीक है, अब हम बात करें अगर वेट सील कैचेट्स की. ठीक है, इस जो वेट सील कैचेट्स होते हैं, ये भी क्या होते हैं, दो कन्वेक्स हाफ होते हैं. इसमें क्या होते हैं, दो कन्वेक्स हाफ होते हैं इस तरह से. दो कन्वेक्स हाफ होते हैं, एक लोअर होता है और एक अपर होता है. ठीक है, सिमिलर होते हैं इनका साइज, क्योंकि इसमें तो डायमीटर जो अपर हाफ था उसका डायमीटर थोड़ा ज्यादा था. ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें सबसे पहले तो जो लोअर हाफ होता है, जो नीचे वाला कन्वेक्स हाफ होता है, इसमें पाउडर है उसको फिल कर दिया जाता है. पाउडर की फिलिंग करने के बाद जो अपर हाफ होता है वो इसके ऊपर हमने फिट कर दिया. ठीक है, और इसकी जो एजेस होती हैं, इन एजेस को पहले वाटर के साथ मॉइस्चर कर लिया. ठीक है, इसमें पाउडर फिलिंग कर दी. ठीक है, उसके बाद जब हमने इसके ऊपर अपर हाफ, जो अपर कन्वेक्स हाफ था, वो फिट करने से पहले इनकी एजेस को वाटर के साथ मॉइस्चर कर दिया, ताकि ये इजिली स्टिक हो जाए. ठीक है, उसके बाद क्या किया इसमें, आफ्टर दिस थोड़ा सा प्रेशर इंसर्ट किया इन हाफ्स के ऊपर. उस प्रेशर को इंसर्ट करने के बाद क्या होगा, ये कैचेट्स क्या होते हैं, फिक्स हो जाते हैं. तो दिस इज अबाउट द, ये कौन सा कैचेट है, वेट सील कैचेट्स. ठीक है, इनको वेट सील कैचेट्स कहते हैं. ये दो तरह के होते हैं, एक तो ड्राई सील और वेट सील. इस टाइप के कैचेट्स होते हैं. इनका कुछ डायग्रामेटिकली बताया मैंने आपको. ठीक है, और इसको आपको बताया कि इनको बॉक्सेस में एनक्लोज किया जाता है. ठीक है, पैकेजिंग और स्टोरेज की बात करें कैचेट्स की, तो इसको क्या किया जाता है, एक बॉक्स में स्टोर किया जाता है. उस बॉक्स में जो भी स्पेस एम्प्टी रह गई है, उस स्पेस को हम कॉटन वूल के साथ, कॉटन वूल के साथ उसको कवर करते हैं, क्योंकि ये फ्रिजाइल होता है नेचर में, इजीली ब्रेक हो सकता है, जिससे पाउडर भी स्पिलेज हो सकती है, पाउडर फैल सकता है उसमें. ठीक है, तो इस तरह से उसको पैक किया जाता है, और उसके बाद उसके ऊपर लेबल प्रॉपरली लिखा जाता है, डायरेक्शन दी जाती है, डायरेक्शन फॉर यूज दैट इमर्स द कैचेट फॉर फ्यू सेकेंड्स इन वाटर. ठीक है, उसको इमर्स करना है फ्यू सेकेंड इन वाटर, ताकि वो स्वेलो करना ईजी हो जाए. दिस इज ऑल अबाउट द कैचेट्स. हमने पढ़ा कैचेट्स के बारे में, कैचेट्स क्या होते हैं. ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं, हमने पढ़ा कैचेट्स दो टाइप के होते हैं, ड्राई सील कैचेट्स एंड वेट सील कैचेट्स, और इसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस.
उसके बाद हम पढ़ते हैं टेबलेट ट्रिचुलेट्स, ठीक है। अब ये तो हो गया पाउडर्स एनक्लोज्ड इन कैचेस। नेक्स्ट जो हमारा इसमें जो इसकी क्लासिफिकेशन आ जाती है दैट इज टैबलेट ट्रिचुरेट्स। टैबलेट ट्रिचुरेट्स, टैबलेट ट्रिचुरेट्स क्या होते हैं, इनको मोल्डेड टैबलेट्स भी कहा जाता है। इसके बारे में हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे कि टैबलेट ट्रिचुरेट क्या होता है, ठीक है। और इनको मोल्डेड, एक तरह से मोल्डेड टैबलेट्स भी कहा जाता है क्योंकि कंप्रेस टैबलेट्स भी कहा जाता है, हम टैबलेट के फॉर्म में नहीं दे सकते, पाउडर के फॉर्म में नहीं दे सकते, तो उसको कंप्रेस कर दिया जाता है टैबलेट के फॉर्म में। एक टैबलेट की तरह ही एक मतलब कि सर्कुलर टाइप की डिस्क बना दी जाती है, ठीक है, जिसमें जो सब्सटेंस होता है ना वो किसके साथ, जैसे लैक्टोज हो गया, डेक्सट्रोज हो गया, ठीक है, जो डाइमंड के साथ उसको मिक्स करके उसको कंप्रेस किया जाता है, ठीक है। कंप्रेशन में भी क्या होता है, इसमें एक अपरेटस यूज होता है, तो इसकी वर्किंग में आपको थोड़ा किस अपरेटस में कैसे इसको फिल करते हैं, कैसे इसको कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, तो ये सब इसका जो प्रोसेस है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। इसमें सिर्फ यही बताया कि टैबलेट ट्रिचुरेट्स को कंप्रेस टैबलेट्स भी कहते हैं या फिर मोल्डेड टैबलेट्स भी कहा जाता है। कुछ ऐसे पाउडर्स होते हैं जिसको क्या होते हैं, टैबलेट्स की फॉर्म में मोल्ड किया जाता है। ये फ्लैट डिस्क लाइक, फ्लैट होती है, सर्कुलर डिस्क की तरह होती है। इसमें क्या होता है, जो पाउडर, जो सब्सटेंस है, जो ड्रग है, उसको क्या किया जाता है, कुछ डाइमंड के साथ उसको मिक्स करके उसको फिर क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है। सूटेबल डाइमंड कोई भी हो सकता है, जैसे लैक्टोज हो गया, डेक्सट्रोज हो गया, उसकी हेल्प से इसको मिक्स करके इसको क्या किया जाता है, आगे कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस कैसे किए जाते हैं, ये इसकी जो प्रोसेस है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगी, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।